हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ करवा चौथ व्रत कथा। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ का व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सातु बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से भी क्षमा प्रार्थना की, फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी भी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वे जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और सुख में जीवन व्यतीत करता है। आई होप आप लोगों को हमारा ये करवा चौथ व्रत कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।